नमस्ते दोस्तों, सीता प्लेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस होली पर हम आप लोग को चावल का पापड़ बनाकर शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए चावल का पापड़ बनाकर शेयर करेंगे। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी डेचकी लिया हुआ है और मट्टी भी लगा दिया है ताकि माँचते समय छूटने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने आग को जला लिया है, तो अब हम डेचकी रख देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी इतना डालना है जितने में चावल हमारा पक जाए। यहाँ पे हमने चावल लिया हुआ है, जितना हमको पापड़ बनाना है तो उसी हिसाब से हमने चावल लिया है। तो इसको हम पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे ही मलकर धोएंगे। तो पानी गर्म हो गया है, तो अब हम चावल को डेचकी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। और डालेंगे नमक, तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा। तो अब हम डालेंगे जीरा। अब आप चाहे तो यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कलर नहीं डाल रहे हैं। तो अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। अब ढककर इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि चावल हमारा पक गया है। तो ये देखिए, चावल बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो अब इसे हम उतार लेंगे नीचे और लेकर चलेंगे छत पर, वहीं पे बनाएंगे हम पापड़। डेचकी को हम लेकर छत पर आ चुके हैं। तो अब हम बड़ी सी थाली में चावल को निकालेंगे। तो चावल बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो चावल को हम थाली में निकाल चुके हैं, तो इसको हम कलछुल के सहारे से हम इसको ऐसे मैश कर देंगे, चला देंगे अच्छे से इस तरह से ऐसे। तो इसको हम मैश कर लिए हैं, तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तभी इसका जो है पापड़ बनाएंगे। चावल ठंडा हो गया है, तो अब हम पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चावल को हम इस तरह से हम गोला गोला बना लेंगे। तो हाथ में हम तेल लगाएंगे और इस तरह से हम गोला गोला बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम सरसों का तेल हाथों में लगाते जाएंगे और इस तरह से हम गोला गोला बना लेंगे। और तेल हम इसलिए लगाएंगे ताकि हाथ में चिपके ना। तो हमने ये देखिए थोड़ा गोला गोला चकाई बना लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हम बनाते जाएंगे और पापड़ बनाते जाएंगे। तो थाली लिया हुआ है, तो थाली पे ये पन्नी हम रख देंगे इस तरह से। तो अब इसमें हम लगाएंगे सरसों का तेल। दोनों साइड हम लगा देंगे। तो अब इस पर हम रखेंगे चटाई को, इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो चौके के सहारे हम बनाएंगे। तो अब चौका भी हम इस पर ऐसे हल्के हाथों से दबा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पापड़ हमारा बन गया है। तो आप छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो अब इसको हम पलट देंगे। तो हमने कपड़ा फैला हुआ है, तो अब इसमें हम पलटेंगे। तो ये देखिए, और चावल का पापड़ बहुत ही आसान रहता है बनाना और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो अब दूसरा भी हम बना लेंगे।
चावल का पापड़ चिपकता नहीं पन्नी में, तो बहुत ही अच्छे से छूट जाता है। तो इस तरह से फिर हम सरसों का तेल लगाएंगे। तो इस तरह से हम चावल का सारा पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतना हमने पापड़ बनाया हुआ है, तो अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं तो हम इस तरह से बना रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कपड़े पे हम इस तरह से रख देंगे। तो अब हम पन्नी लगाएंगे इस तरह से। पन्नी में हम सरसों का तेल लगाए हुए हैं, चौके से हम दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से हम सारा पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम बना रहे हैं तो इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और चावल का पापड़ बनाना बहुत ही आसान रहता है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो 5-10 पापड़ एक बार में ही बना लेंगे। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने ढेर सारा पापड़ बना लिया है, थोड़ा सा है तो इसको भी हम बना लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ही आसान रहता है इस तरह से बनाना। यहाँ पे देखिए हम एक बार में कितना बना रहे हैं पापड़, तो इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा। चावल का पापड़ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो इस तरह से हमने पापड़ बना लिया है चावल का, तो इसको हम 2 दिन तक अच्छे से कड़ी धूप में सुखाएंगे, उसके बाद हम इसको तलकर आप लोग को दिखाएंगे। तो 2 दिन तक हमने पापड़ को सुखाया है, तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो आप लोग को आज हम तल कर दिखाएंगे कि कितना अच्छा चावल का पापड़ बना हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सूखा हुआ है। तो उधर देख लीजिए दोस्तों कि हमने वो कलर डालकर बनाया हुआ है चावल का पापड़। तो आप सब देख सकते हैं कि यह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जितना हमको तलना है तो हम ले चलते हैं पापड़। चावल का पापड़ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग भी बनाकर खाइएगा इस होली पर। जो कलर डालकर बनाया हुआ है वो भी ले लेंगे। तो पापड़ हमने ले लिया है, तो चलिए हम आप लोग को तलकर दिखाते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे रिफाइंड का तेल। तेल गर्म हो गया है तो अब हम पापड़ डालेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए तेल में अच्छे से डुबो लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे और ज़्यादा तेज आँच में नहीं इसे फ्राई करना है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे थाली में। तो इस तरह से हम पापड़ को तल लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि चावल के पापड़ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको भी हम पलट लेंगे।
तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो जो कलर डालकर बनाया हुआ है पापड़ उसे भी हम छान लेंगे। तो देखिए आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसे भी हम छान लेंगे। इसे छान लिया है तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे थाली में। तो ये देखिए इस तरह से हम पापड़ को छान लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पापड़ को हमने छान लिया है। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि चावल का पापड़ बहुत ही अच्छा तला हुआ है। अब आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए चावल का बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है पापड़, आप सब देख सकते हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इस होली पर चावल का पापड़ बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सब देख सकते हैं आज का वीडियो हमारा आप लोग कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।